हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं गोविंद और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो पीवीसी पाइप बनाते हैं या सीपीवीसी पाइप बनाते हैं या किसी भी टाइप का पाइप बनाते हैं पीवीसी मटेरियल के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि वैक्यूम दिया जाता है, बैरल में वैक्यूम दिया जाता है, वैक्यूम सिस्टम, उसका क्या काम रहता है, उसको क्यों दिया जाता है, वो किस प्रकार का काम करता है, उसके बारे में आज अच्छे से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पे कंपाउंडिंग और प्रोसेसिंग, इन सभी का स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो पड़ा हुआ है इस चैनल पे, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं और आगे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है पाइप बनाने वाले मशीन का बैरल, ठीक है। इसमें यहाँ पे वैक्यूम लगा हुआ है, देखिए इसको, ये है वैक्यूम, ठीक है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, देखिए ये हमारा फीडर चालू है, फीडर से जो बैरल है, देखिए अंदर स्क्रू घूम रहा है, तो बैरल में माल गिर रहा है फीडर से, तो इस माल को जैसे खींच के आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, ठीक है, स्क्रू के माध्यम से आगे जैसे जाता है, तो साथ में कुछ एयर भी साथ ही चला जाता है या फिर कुछ अच्छे से मिक्स नहीं हुआ रहता है, ठीक है। इस कंडीशन में जैसे इसमें से थोड़ा बहुत मटेरियल के साथ, इस रेजिन के साथ एयर भी आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो वैक्यूम इसीलिए हम यूज करते हैं, हाँ, कि जो भी एयर जा रहा है उसको आगे ना जाने दे, ठीक है, इसलिए इस वैक्यूम का हम यूज करते हैं। यहाँ से सक करता है तो जो थोड़ा बहुत मेल्टेड नहीं रहता है उसको भी ये खींच लेता है और एयर को इससे आगे डाई हेड की तरफ नहीं जाने देता है, यहीं से खींच कर के बाहर कर देता है, जिससे हमारे पाइप में बबल्स आने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर यह नहीं रहेगा तो हमारे पाइप्स में बबल्स आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है, और बबल्स आता ही है अगर वैक्यूम नहीं रहेगा तो बैरल में। और एक और बहुत इससे फ़ायदा होता है कि अगर आगे हमारा डाई हेड का हीटिंग पूरा प्रॉपर नहीं है तो माल यहीं से रिवर्स मार देता है, जिससे स्क्रू भी नहीं टूटता है जल्दी, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो भी एयर आता है वहाँ से जहाँ माल फीड हो रहा है वो यहाँ से आगे नहीं जाने देता है, इस वैक्यूम यहीं से खींच लेता है। तो फ्रेंड्स, ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर आपको कमेंट में बताइएगा।